subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome back in my YouTube channel Study Education with Amit sir. So today I will discuss math class 10 exercise 1.1 CBSE boards. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ जो क्लास टेंथ का है। इसमें आपको ये भी बता देंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले ये बता देते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ये जो यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक अपना थ्योरम दिया था। इन्होंने ये कहा था जो हम लोग डिवाइड करते हैं, लेट सपोज टू को डिवाइड फोर से करते हैं, तो इसमें जो आता है हम लोग डिवाइड करेंगे टू टू ज़ा फोर, ये क्रॉस हो गया, पूरा कट गया, तो ये जो होता है हम लोग का डिविडेंड, डिविडेंड ये होता है डिवाइजर, डिवाइजर ये होता है क्विंट। ठीक है, और जो नीचे बचता है इसको रिमाइंडर, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिमाइंडर इसको हम लोग कहते हैं। एक सपोज दिखाते हैं एग्जांपल जिसमें रिमाइंडर बचाओ, और फाइव कम डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, टू से, तो इसमें क्या है टू टू ज़ा फोर कैरी वन, ये जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये होता है क्विंट, और ये होता है रिमाइंडर। ओके, आई होप इतना समझ आया। तो उन्होंने ये बोला कि जो ये डिवाइड हम लोग करते हैं इसको अलग तरीके से वो डिवाइड करती है, उनका तरीका अलग होगा। उनका तरीका देखिए क्या होता है, जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड मतलब जो बड़ा होगा डिविडेंड, उसको साइड में रख लेंगे, इक्वल्स टू, फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इक्वल्स टू डिवाइजर जिससे हम लोग उनमें डिवाइड करेंगे, इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये उनका फॉर्मूला है हम लोग का। फिर एक बार लिख दे रहे नीचे थोड़ा सा क्लियर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो देन इसको इस तरीके से लिखे थे कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे ए जो है डिवाइडेंड, बी जो है हमेशा डिवाइजर रहेगा, क्यू जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कोटिएंट रहेगा, आर जो है रिमाइंडर हुआ। तो इसमें एक और क्वालिटी होता है, देखिए इसमें जो हमारा ये डिवाइजर है, डिवाइजर जो डिवाइजर रहेगा बी, हमेशा याद रखिएगा दो है ना, जो ये आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा रहेगा, याद रखिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब इसमें देख लीजिए इसमें जो बी होगा, जो डिवाइजर हम लोग का होगा, ये रिमाइंडर से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बस बड़ा याद रखिएगा, बड़ा रहता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर वन बचा, यहाँ पे कितना है टू है, तो ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा रहेगा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसे, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो बात चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जो इसमें दिया है देखिए क्या दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया 135 एंड 225, इसमें यूज करना है किसका, यूक्लिड्स एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करके इसको फाइंड आउट करना है, ये आपको बोला। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे डिविडेंड,
जो सबसे यूज में बड़ा रहेगा, 225 है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे 225 डिविडेंड। इसमें साइड में हम लोग आपको डिवाइड करके दे बता दे रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए इसमें दोनों में छोटा कौन है 135, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 135 सबट्रैक्ट करेंगे 90। अब देखो फिर ये जो होता है ना, अब ये जो होता है ये हम लोग का बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिविडेंड, ऐसा इसमें तरीका होता है। देखिए 135 जब तक इसका ये रिमाइंडर इसका जीरो ना हो जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 90। अब देखिए ये सबट्रैक्ट करेंगे 45, अब यहाँ पे आ जाएगा 90, तब ये हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको डिविडेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख के बताएंगे आपको। यहाँ पे 245 टू जो 90, अब ये कट गया कि नहीं, तो दोनों का जो एचसीएफ होगा हम लोग का आ जाएगा 45। जब इसका कट जाएगा तो वो जो जिससे ये कटेगा, ठीक है, जिससे ये डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड होगा वही इसका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 45। यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का मान हम लोग जानते हैं ये हो गया, बी बी का मान जो इसमें छोटा रहेगा 135। अब देखिए क्यू का मान होता है जो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें कितना से जाएगा डिवाइड, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस वन कर सकते हैं, प्लस सॉरी वन कर सकते हैं, प्लस वन नहीं वन कर सकते हैं क्योंकि 135 इक्वल टू 135 और प्लस 90। ओके ये आप लोग समझ में आ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप इसी से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब जो ये बचेगा इसको हम लोग ले लेंगे डिविडेंड 135 इक्वल टू जो इसका ये आएगा आर, आर की जो वैल्यू है रिमाइंडर, इसको हम लोग ले लेंगे डिवाइजर, डिवाइजर 90 इंटू। अब देखिए अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 135 से कम ही रहे, एक्स्ट्रा ना हो, 90 में क्या मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे 225 लाना था इक्वल टू दोनों को ऐड करने के बाद, तो 135 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 135 होगा, अब प्लस 90 ऐड करेंगे तो 225 होगा। अब इसको 135 में आप ले लिए इक्वल टू 90 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 1 से ही करेंगे, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 45। जब तक ये आर की वैल्यू जो रिमाइंडर होगा जीरो ना हो जाए तब तक ये स्टेप बढ़ाते रहना है। थर्ड स्टेप देखते रहिएगा। अब ये जो यहाँ पे इसको ले लेंगे डिवीजन, अब ये 45 ये हो जाएगा, ये होगा डिविडेंड, ये डिवाइजर हो जाएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 2 से और तब क्या आएगा जीरो, मतलब यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी अब जीरो आ गई ना, तो जो यहाँ पे डिवाइजर रहेगा वही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है 45 है ना, यहाँ पे भी 45 है, या तो इस मेथड से करो, देखो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा और ये सेकेंड मेथड हो जाएगा। आप लोगों को जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो इससे करो, ये अच्छा लगे तो इसे करो, जो बेटर आप लोग करोगे। देन फाइंड आउट ऑफ द एचसीएफ किसका किसका है 135 एंड 225 इक्वल टू कितना होगा 45, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। डेट्स प्रूफ, ओके, आई यू अंडरस्टैंड, ये हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे करके हम लोग लाइन बाई लाइन करके क्वेश्चन बनाते रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, देखते हैं हम आगे बताते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा आप लोग लगा के देखिएगा, तीसरा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये हम आपको बता दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है कि 867 एंड 255, इसका हम लोग क्या निकालना, 8 है, 867 एंड 255 का हम लोग एचसीएफ निकालना, ठीक है। इसको भी उसी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, साइड में हम लोग ये हमको आसान लगता है, इसी मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, इजी तरीका वही है, इजी इस मेथड से अगर करना चाहें तो इजी मेथड यही है कि इसको हम लोग उस जो हम आपको बताए मेथड इससे निकाल लें। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इससे कम ही रहे तो 3 से ट्राई करेंगे, अपने से 3 से कर लेंगे, देखिए 3 से करेंगे तो 5 3 15 1 16, 2 3 6 6 1 7, ओके इसे ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पर सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, अब ये इधर आ जाएगा 255, ओके
अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए कितना आएगा यहाँ से 1 5 51 आएगा 102। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा कि नहीं, कट गया कि नहीं, तो वैसे ही सेम इसका भी हम लोग कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे यूज द फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब देखिए एल्गोरिथम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जो बड़ा रहेगा 867 इक्वल टू, हम लोग यूज कर लिए ना 867 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 255 में क्या मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो क्यू रहेगा ये नेचुरल नंबर रहेगा, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये तो स्टेप फर्स्ट टाइम होगा, तो 255 में क्या मल्टीप्लाई करें, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ पे देखिए 102। अब 100 यहाँ पर रहेगा, जो 255 को हम लोग 102 से क्या मल्टीप्लाई करें, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना 51। ये देखिए अभी जस्ट यहाँ पर किए हम लोग, ये दोनों मेथड्स हम लोग आपको तरीका बता के लिख चलेंगे। अब जो यहाँ पर रहेगा इसको पहले कर लेंगे, जो लास्ट में रहेगा इसको साथ में कर लेंगे प्लस 0। अब 2 बार में चला गया तो यहाँ पे जो आता है डिवाइजर वही एस सी एफ का, तो एस सी एफ ऑफ द किसका 867 एंड 255 इक्वल टू कितना होगा 51, ये हम लोग आंसर हो गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बेटर है, ये आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें दिया है सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आप लोग बता चुके हैं हम लोग इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर के बारे में हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, देखिए फॉर्म क्या दिया 6q+1 और 6q+3 और 6q+ कितना 5, वेयर क्यू इक्वल टू सम इंटीजर। यहाँ पे जो दिया ये जो पॉजिटिव इंटीजर है हम लोग को प्रूफ करना है ये कैसे है, ठीक है ना, ये हमको दिखाना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, लेट बी एनी क्या लेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ओके अब देखिए एंड जिसमें ये बी की वैल्यू हमेशा क्या है 6 है कि नहीं, यही है ना बी की वैल्यू हमेशा 6 है, आगे की जो वैल्यू वो हमको फाइंड आउट नहीं करना है, ये फाइंड आउट करना उसको जानना हम लोगों को। यहाँ पे क्यू इक्वल टू हमेशा हम बताए थे जो यहाँ पे बी रहेगा ये हमेशा इससे छोटा हम लोग का रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर 5 तक गया है कि नहीं 6 से छोटा। यहाँ पे आर की वैल्यू इट्स मीन आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी, ठीक है, इससे हम लोग का क्या होगा आगे नहीं बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं बिकॉज बी इज ग्रेटर देन 5, बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 से, मतलब जो बी की वैल्यू हो वो आर से बढ़ी जाएगी हमेशा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देयरफॉर अब देखिए तो यूज ऑफ द यूक्लिड्स थ्योरम, ठीक है यूक्लिड्स थ्योरम यूज करेंगे, क्या होता है यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए जो होता है हम लोग क्या करेंगे ए ही लेंगे, या सपोज कोई ए ही मान के चलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आराम से हम लोग अच्छे से इसको फाइंड आउट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे ये होगा, ठीक है।
यहाँ पे सपोज डेट ए ही लेके चलिएगा, वी की वैल्यू जो है 6, क्यू क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए, क्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्यू की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डेट यही होता है ना, नेचुरल नंबर रहेगा तो नेचुरल नंबर पहले 1 पुट करेंगे, प्लस आर की वैल्यू कितना है 0, कितना होगा 1 = 6 क्यू, या क्यू ही लेके चलिए कोई बात नहीं, या 6 आ गए तो और बेटर है, ठीक है 6 आ गए सॉरी 6 ही लेके चलिए। अब देखिए a2 = यहाँ से हम लोग क्या निकालने ऑड इंटीजर, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हो जाएगा 6 × 2 + 1 = क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 1 a2 = 13, मतलब ये जो दूसरा आएगा 6³ + 1 ये हम लोग का इंटीजर है, मतलब ऑड इंटीजर है, ओके। फिर a3 = 6 × 3 + कितना आएगा 2 कर लीजिए, इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, या 1 ही लेके चलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नेचुरल नंबर एक ही लेके चलेंगे, 6 × 6 = 6 + 2 कितना होगा 8, a3 = 8 आ रहा है, मतलब जहाँ पे 2 रहेगा वो नहीं होगा। अब देखिए a4 = 6 × 1 + 3 आएगा, तो देखिए 6 × 6 + 3 कितना होगा 9, तो a4 = 9, मतलब जो जिसमें 3 आएगा वो भी ऑड होगा। a5 हो जाएगा 6 + 1 + 4 6 × 6 + 10 a5 = 10 ये भी इवन आ जाएगा। अब a6 = 6 × 6 या 1 ही ले लीजिए तो प्लस 5 6 × 6 6 + 5 = 11। अब देखिए इसमें ऑड इवन नंबर फाइंड आउट करना, तो ऑड क्या आ रहा है a2 आ रहा है, फिर a4 आ रहा है और a6, a2 की वैल्यू क्या है यही है ना, मतलब यहाँ पे देखिए a = 6³ + 1 यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी a = 6³ + 3 इसकी जो वैल्यू आएगी a = 6³ + 5 यही आ रहा है ना। अब इसका मतलब ये फाइंड आउट हो गया हम लोग का 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 ये क्या है एक ऑड इंटीजर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑड इंटीजर्स = 6³ + 1 6³ + 3 एंड 6³ + 5 दैट प्रूव्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें फाइंड आउट कर दिए कि नहीं, देखिए जो यहाँ पे ये ऑड इंटीजर हम लोग लिखे थे देख सकते हैं 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 ये ऑड इंटीजर है, यहाँ हम लोग नीचे क्या करिए फाइंड आउट करके आपको दिखा दिए। यहाँ से ये जो 13 है ये तो हम लोग जानते हैं इवन है, ये ऑड है, फिर ये इवन है, ये ऑड है, इवन है, ये ऑड है, हम लोग को केवल ऑड ही चाहिए, तो जो ऑड के सामने जो रहेगा रिलेटिव ये हम लोग इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके नीचे आपको शो कर देंगे, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना था कि ये जो वैल्यू होगी ऑड होगी, तो ऑड आपको शो करा दिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 13 ऑड है, फिर यहाँ पर 9 ये भी ऑड है, फिर 11 ये भी ऑड है, ये आपको प्रूव करके हम दिखा दिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।